नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट हाउस। मतलब इस दुनिया में हर किसी का एक तो ये होगा कि यार अपना अपना खुद का घर बना ले, जो भी हो, जो जितने भी मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, सबका ये सपना तो होता ही है। तो उसका क्या रेट आता है, मतलब कितना खर्चा आता है, क्या है, तो वो सब एक सबका एक तो सपना तो होता ही है, ठीक है। उसमें क्या क्या, अगर 1000 स्क्वायर फीट बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, मतलब क्या क्या, अगर क्या क्या परसेंटेज रहेंगे, कितनी रुपया लेंगे, एक अप्रॉक्सीमेट, मतलब एक मिडिल क्लास हाउस बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि एक उसमें रेट जैसे होता है कि बहुत सारे चीज़ है, ठीक है। आपका अगर बहुत अच्छा बनानी है, मतलब बंगला टाइप बनानी है, उसको बहुत चीज़ लग सकता है, ठीक है। उसके हिसाब से एक जैसे एस्टिमेट टाइप भी हमने बना कर रखा था, ठीक है। उसमें 1000 स्क्वायर फीट में क्या क्या ये हो सकता है, और इसमें मतलब सीमेंट कितने लेंगे, जैसे टोटल ब्रिक और कितने MQ आएगा, पहले जैसे क्वांटिटी एक निकाल देंगे, और कंक्रीट कितने क्वांटिटी है, और जैसे मैसनरी, अगर स्टोन मैसनरी है तो क्या है, फाउंडेशन में क्या है, और इसमें सीमेंट इसी से अगर सीमेंट निकाल देंगे, मतलब फाउंडेशन में कितना सीमेंट है, बीम में कितना सीमेंट है, जैसे यहाँ पे आ जाएगा सीमेंट और यहाँ पे सैंड आ जाएगा, सबके ये आ जाएंगे। उसके बाद प्लास्टरिंग, वॉल, फ्लोर सब में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे टोटल क्वांटिटी आ जाएगा सीमेंट का, और कितना बैग है, और एक बैग का रेट, ये रेट एक अप्रॉक्सीमेट उस टाइम अभी फिलहाल डाला है, ठीक है। तो ये उसी टाइम का रेट आप डाल सकते हैं, इसी में डाल के आप यहाँ पे निकाल सकते हो। और उसके बाद एक तो आप शुरुआत में कर देंगे, उसके बाद हर बार क्या करना पड़ेगा आपको, मटेरियल जैसे जैसे आएगा आपका, उसका डेट और मटेरियल का डिस्क्रिप्शन, और उसके अलावा जो किस में वो लग रहे हैं, कितना बैग लगा, मतलब यूनिट क्या है, और 20 बैग लगा रहा है, और फाउंडेशन में जैसे मेरा सैंड आया क्या है, कितने क्वांटिटी आया और क्या रेट में आया, और उसके अमाउंट, तो ऐसे अमाउंट आता रहेगा आपका टोटल हाउस कंस्ट्रक्शन के लास्ट में। ये भी यहाँ पता चल जाएगा, अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्टर हो रहे तो आपका खुद का हाउस बन रहा है, जो भी यहाँ टोटल अमाउंट, जैसे यहाँ लेबर डिटेल भी एक अलग से हो जाएंगे, डेली कितना स्किल्ड आए थे, अनस्किल्ड आए थे, उनका रेट क्या है, जो भी है। तो इसी से क्या होगा आपका टोटल, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट हैं, एक घर बनाने के बाद एक आपका आइडिया आ जाएगा कि यार इतना स्क्वायर फीट का अगर क्या क्या फैसिलिटीज लेके वो करनी है, ठीक है। अगर नॉर्मली क्या है, नॉर्मल अगर आपका हाउस है तो 1200 रुपया लेंगे पर स्क्वायर फीट, मतलब पर स्क्वायर फीट का 1200 रुपया लगेगा, ठीक है। अगर आपको 1000 स्क्वायर फीट करनी है तो लगभग 12 लाख रुपया लगेगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या परसेंटेज है, अप्रॉक्सीमेट जैसे हमने अभी तक जो भी करा है उसी के हिसाब से एक अप्रॉक्सीमेट हमने बना भी रखे हैं, ठीक है। इसमें ये डोर्स और विंडोज़ भी आएंगे, मतलब कितने नंबर आएंगे, उसके क्या क्या रेट है, ये सब डालेंगे आपका इजीली हो जाएगा। उसके अलावा जो भी अगर कॉन्ट्रैक्टर हो तो क्या प्रॉफिट है, और इंजीनियर के चार्जेस क्या है, और उसके अलावा आपको ड्राइंग अप्रूवल करनी है PWD से, उसी थोड़ा सा चार्जेस लगता है, वो क्या है। तो टोटल ये अमाउंट यहाँ पे आ जाएंगे, तो रेट पर स्क्वायर फीट यहाँ पे आ जाएगा। मेनली ये आपका जो फैसिलिटीज के ऊपर, आप क्या टाइल लगाना चाह रहे हैं, क्या कौन सा सीमेंट लेना चाह रहे हैं, उसी के ऊपर है सारे काम, तो ठीक है। अब देखते हैं एक एक चीज़ जो है। सबसे पहले क्या है, लेबर है। लेबर एक अप्रॉक्सीमेट जैसे 1000 स्क्वायर फीट का, उसके आपका 12 लाख रुपया है ना, तो 12 लाख में आपका एक 25% लेबर लगेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, एक अप्रॉक्सीमेट है जैसे, ठीक है। उसके अलावा ब्रिक्स है, आपका जो ईट है, जो ईट लेंगे उसके जो अमाउंट है वो 12% लेंगे टोटल अमाउंट से, तो 12 लाख x 12 1,44,000 है। उसके बाद जो सीमेंट है, सीमेंट लगेगा 13%, ठीक है, 1,56,000, और सैंड एंड एग्रीगेट 5% लगेगा, 60,000 है, और स्टील का 10% है, 1,20,000 लगेंगे, और डोर एंड विंडो इसकी जो कास्ट लगेगा 1,44,000, मतलब 12% है, और इलेक्ट्रिकल वर्क है 96,000 है तो 8% है, वाटर एंड सीवरेज का 12% लगेगा, ठीक है, 1,44,000 है, और मिसलेनियस मतलब कोई एक्स्ट्रा जो खर्चा, जो भी छोटी मोटी हमने जो नहीं पकड़े होंगे स्टार्टिंग में, वो जो आ जाता है वो 3% लिए हमने, तो टोटल आपका 12 लाख आ जाएंगे, ये जैसे 100% हो जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपके 12 लाख हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अभी ये सब कहाँ से आया जो है, ठीक है, ये सब हमने जैसे अगर आप भी इसको चेक कर सकते हैं, एक हाउस अगर आप बना रहे हो, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर आपको ये देखने पड़ेंगे क्या क्या, मतलब क्या क्या मटेरियल आ रहा है, क्या स्किल डिलीवर अनस्किल डिलीवर कर रहा है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर तो आपका बहुत काम आएंगे, इसी फॉर्मेट में आप डेली के डेली यहाँ पे एंट्री करने पड़ेंगे, क्या क्या मटेरियल आ रहा है एक तो, ठीक है, क्या रेट में आ रहा है, और लेबर डिटेल, डेली क्या लेबर है और उसका क्या पेमेंट बन रही है,
ये दोनों आप एंट्री करते आएंगे, ठीक है, यहाँ पे हर मटेरियल के भी आ जाएगा, तो लास्ट में आने के बाद यहाँ पे आ जाएगा या डोर एंड विंडो में क्या कास्ट है, यहाँ पे जो अमाउंट आएगा, ठीक है, टोटल यहाँ पे एक टोटल अमाउंट आएगा, ठीक है, तो उसी से यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं सीमेंट का, जैसे कि दिस अमाउंट डिवाइडेड बाई यहाँ पे जो अमाउंट आएगा टोटल अमाउंट, इससे डिवाइड कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम में क्या है कि आपका जो क्लाइंट का, जो भी क्लाइंट का किस हिसाब से जो उनके फैसिलिटी चाहिए उसी हिसाब से आप बता सकते हो कि यार एक स्क्वायर फीट का क्या रेट है, ये बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें आपको कोई भी अगर सजेशन होगा, जैसे नहीं, अगर आपको कोई भी अगर सजेशन है आप कमेंट में डाल सकते हैं, ठीक है, उसको लगा इसके जो रेट्स हैं, रेट्स अभी क्या चल रहा है, नहीं तो आपने कितना रुपया में आपका जो घर बनाया था, जैसे 1200 में बनाए थे, नहीं तो 1000 रुपया पर स्क्वायर फीट में बनाए थे, नहीं तो 1500 में भी चल रहे हैं, जो वो उनका फैसिलिटीज जो जो चाहिए उसके ऊपर है, तो आपने कितने रुपया में पर स्क्वायर फीट बनाया आपका घर, तो आप अपने कमेंट यहाँ पे कमेंट्स में डाल दीजिएगा, ठीक है, ये पता चल जाएगा कि कौन सी जगह क्या क्या रेट चल रहा है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच। आपका ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर लीजिएगा, आपका किस दोस्त का जो यूज़ होगा उनके साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा, थैंक यू। उसके अलावा अगर आपका कोई भी सिविल रिलेटेड वीडियोस चाहिए, ठीक है, कोई भी अगर आपका एक्सेल में फॉर्मेट चाहिए, प्लानिंग, डीपीआर, किसी भी तरह का जो भी, अगर अभी भी जो मैंने वीडियो दिया उसका अगर एक्सेल फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है, तो आप मेरा कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, आपका जो वीडियो चाहिए उसी कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, ठीक है, तो उसका आपका मेल आईडी में आपको भेज दिया जाएगा जो भी फॉर्मेट्स आपका चाहिए। उसके अलावा आपका कोई भी प्रोग्रेस चार्ट चाहिए आप रेफर कर सकते हैं मेरे वीडियो में, ठीक है, और एक प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो है डीपीआर के साथ, और प्लान प्रोडक्शन का है, और उसके अलावा गैंट चार्ट का है, रिटेनिंग वॉल बीबीएस का, मतलब जल्दी से जल्दी फार्मूला से कैसे बना सकते हैं, और डिजाइन ऑफ बॉक्स कलवेट है, ठीक है, एक्सेल में बहुत सारे वीडियो हैं, टेंडर कैसे करते हैं उसके भी वीडियोज़ हैं, और उसके अलावा मेनली जो है स्टोर के लिए एक स्टॉक स्टोर इन्वेंट्री है, ये बहुत काम आ सकता है आपका, कोई भी अगर स्टोर में अगर आप कोई भी सेल परचेज जो भी कर रहे हैं उसमें बहुत काम आ सकता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।